इस प्रारंभिक अवस्था में कहते थे कि ये बच्चे का मन नहीं लग रहा है, देखिए सर ऐसे इससे ज्यादा तो मन क्या लगेगा। मेरी संस्था की एक विशेषता बताता हूं, जरूरी नहीं है कि बच्चा 11-12 ही पढ़े। कई बार क्यों है कि आजकल प्राइवेट स्कूल के अंदर 1-2-3-4-5-6-11-12 बड़ा सिखाते हैं। अब घर के अंदर अगर बच्चा वो 11-12 बोल रहा है, उसकी मम्मी कहती है बेटा 12 नहीं है 10 दो पारा है, तो भाभी मां सब रेपी दो जब वो तो 10 दो पारा बोलता था मैडम कही 12 है, तो हमारा बच्चा 12 भी बोलता है 10 दो पारा भी बोलता है, हर परिस्थिति का सामना करता है और आने वाले 2 या 3 साल के अंदर एक जबरदस्त नजारा देंगे कि पूरा एरिया याद रखेगा और वो सारी बातें होंगी आपके सहयोग से। आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन, मंच की ओर से सभी अभिभावकगणों का फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे बीच में लवप्रीत जी खैरका से यूथ क्लब से हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो 1 मिनट के लिए आए और अपना बच्चों को उपहार दिन से आशीर्वाद दें। लवप्रीत जी खैरका यूथ क्लब, जोरदार तालियों से इनका हार्दिक अभिनंदन, आभार, स्वागत। धन्यवाद गुरु जी। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। आज जैसे कि आप सभी को पता है 23 मार्च शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, आप सभी के बच्चे जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं शिक्षा से जुड़े हुए, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं हम असफल हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो हार नहीं माननी चाहिए। परमात्मा ने कई चीजें ना एक टाइम डिसाइड किया होता है, उस समय से पहले हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे सरपंच साहब जी बैठे हैं, मोहन सर बैठे हैं, इन्होंने काफी लंबे समय से अपनी पंचायत के लिए, अपने स्कूल के लिए, इस मुकाम को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर इनका एक टाइम था जब इन्होंने इस चीज को पूरा किया। भगत सिंह का जन्म 1907 के अंदर हुआ, 1931 के अंदर उन्हें फांसी हुई 23 मार्च 1931 में, और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। तो उन्होंने आजादी तो वो नहीं देखी, पर लेकिन जो उन्होंने प्रयास किया, जो अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, वो आजादी को हम तो देख पाए हैं। इसीलिए कभी भी अपने जीवन के अंदर निराश ना आए, अच्छे काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जीवन की शुरुआत है वो हमारे माता पिता से होती है, जैसे हमें उनके द्वारा सिखाया जाता है, उसके बाद हमारे गुरु जी आते हैं हमारे जीवन के अंदर, वो डिसाइड करते हैं हमें किस रास्ते पे जाना है, कैसा बनना है। तो एक बार जोरदार ताड़ियां मोहन सर के लिए। मैं आपको यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर से आए हैं, लगभग 7-8 साल पुराना रिश्ता है मेरा मोहन भाई के साथ। मैं जानता हूँ आपको एक अच्छे और नेक दिल के गुरु मिले हैं, ये मेरा वादा है आपसे भी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं एक दिन जरूर कामयाब होंगे और ऐसी पोस्ट में होंगे, ऐसे रुतबे के अंदर होंगे वो भी, आप माता पिता होने के नाते, गाँव के नागरिक होने के नाते आप उन पर गर्व करेंगे। ये चीजें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है और हमें हमेशा अच्छे काम के अंदर सहयोग करना चाहिए। जैसे कि हमने 2015 के अंदर यूथ क्लब एसोसिएशन की शुरुआत की थी, जब हम एक ही गांव से शुरुआत की थी, आज 93 गांव के अंदर युवा क्लब चल रही है। हमें हमेशा मोहन भाई साहब से बात होती रहती है, हमने शुरुआत की थी, आज चला कोई उसे और रहा है, आने वाले टाइम में कोई और आएगा, तो ये चीजें चलती रहेंगी। कभी भी कोई भी बंदा निर्धारित नहीं होता पद के लिए, भी हमें ही रहना है, नए युवाओं को मौका देना चाहिए। आपके स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, जिला लेवल पे किए हैं, राष्ट्रीय लेवल पे किए हैं, वहां भी इस स्कूल के बच्चे अपना योगदान देते हैं, सफाई अभियान के अंदर, कल्चर कार्यक्रम के अंदर। ये आपको नाटक देख रहे, मैं खुद एक नाटक करता था भगत सिंह का, मुझे उन बच्चों को देख के इतना जुनून आ जाता है। देशभक्ति चीज ऐसी है, भगत सिंह का नाम लेते हैं तो एक 23 साल की 22 साल की उम्र का युवा हमारे सामने एक फेस बन के आता है। कभी भी देखा है भगत सिंह हमें 70 साल का दिख रहा है, 60 साल का दिख रहा है, 65 साल का दिख रहा है। ये जो चेहरे पे इनके जो भी नाटक कर रहे थे ऊपर कलाकारों के चेहरे के ऊपर एक अलग ही नूर था, आप देख रहे होंगे इनकी जो फेस की स्माइल थी, जो इनके चेहरे का नूर था, ये चिंगारी फूट रही है आपके एरिया के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, ये ज्वालामुखी का रूप लेगी जब ये कलाकार एक बड़े मंच के ऊपर होंगे, तब आप इनकी कला को देखना, आप इनकी शिक्षा को देखना, आप इनकी युवा शक्ति को देखना। आप सभी माता पिता से, सभी भाई बहनों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे को कभी भी किसी चीज के लिए रोके नहीं। नशा सरपंच साहब ने जैसे कहा हमारे पूरे एरिया को जगड़ रहा है, लेकिन कोई भी किसी को किसी भी लाइन के अंदर लगा नहीं सकता,
क्योंकि नशा हमें कोई नहीं कहता कि आप नशा कर लो और हम चले जाएंगे। कोई भी ये नहीं कहता हम पढ़ लो हम पढ़ लेंगे। कोई ये नहीं कहता हम खेल लो तो हम खेल लेंगे। जो हमारा मन कहता है हम वो करते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे लड़के रहते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के अधिकारी हैं, बहुत ऐसे भी रहते हैं जो नहीं अच्छे हैं, पर हमें हमारी संगति हमारे माता पिता का जो आशीर्वाद है हमारे में वो डिसाइड करता है हमें किस लाइफ में अंदर जाना है। दो पंक्तियां आपके बीच में कहूंगा कि हम जो होता है चिट्टा थोनू कोई दिखा के नहीं करता। ये लाइना ते सरिया तुसी आप लाउंदे हो थोनू कोई लवा के नहीं करता। पहला पहला हवा च बंदा टेस्ट करता है जिंदगी नाले पैसा दोवें वेस्ट करता है। लहू की थां ते नाड़ां दे विच चिट्टा बगदा है। कौन किसे को लाउंदा है बंदा आपे लगदा है। कौन किसे को लाउंदा है बंदा आपे लगदा है। जीवन के अंदर कोई भी चीज किसी के कहने भी नहीं होती। आप अपने बच्चों को सिर्फ अपने संस्कारों के साथ बात करके अपने गुरु के साथ बात करके और उन्हें करने दें जो करना चाहते हैं। जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसे जाने दें। जो शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है उसे पढ़ने दें। जो कल्चर में आगे जाना चाहता है उसे जाने दें। आजाद रखें उन्हें, उन्हें बंदिश मत रखें। क्योंकि जो अलग कुछ करना चाहते हैं वो कभी किसी के गुलाम नहीं होते। वो बंदिश के अंदर नहीं रह सकते। भगत सिंह को उसके माता पिता ने बहुत बार रोका था आप ये काम मत करो, दुनिया जैसे करती है वैसे आप करो, वैसे चलो। पर भगत सिंह हमेशा अपनी माँ को अपने पिता को यही जवाब देता था, नहीं माँ मैं जैसे करूंगा एक दिन दुनिया वैसे। आज देख लो 2024 की 23 मार्च आ गई और हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं जिनका 1907 के अंदर जन्म हुआ था। हमारे लिए बहुत से लोग ऐसे भी हमें जो आए वो चले गए जिनको कोई याद नहीं रखता। जीवन में याद नहीं रखा जाता जो जीवन के अंदर कुछ अलग रखे जाते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार मौन सर के लिए जोरदार तालियां पूरे स्कूल स्टाफ के लिए तालियां। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।